गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। संचरा इंटरनेशनल स्कूल की वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा, हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया था अवर बॉडी, आज हम सेकंड चैप्टर करेंगे फूड वी ईट। जिन बच्चों ने अभी तक फर्स्ट चैप्टर की वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लें। जो नए बच्चे हैं, नई एडमिशन हो रही है, तो यूट्यूब संचरा इंटरनेशनल स्कूल के जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपको फर्स्ट इस चैप्टर है अवर बॉडी, उसकी सभी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ओके बेटा, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर फूड वी ईट। तो बेटा, हम डेली फूड खाते हैं, और जब हमें फूड है जो वो हमारी हमारी लाइफ की एक बेसिक नीड है। तो फूड जब हमें भूख लगती है, जब हम हंगरी फील करते हैं, तो हम क्या करते हैं, फूड खाते हैं। तो तब हमें फूड की जरूरत होती है। तो फूड के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। तो बेटा, एक बात का आपने याद रखना है, जो फूड और वाटर है वो हमारी हमारी हमारे लिए एक बेसिक नीड है, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। ओके बेटा, फूड एंड वाटर। तो अब हम देखते हैं, जो फूड है वो हमारे लिए बेसिक नीड क्यों है। फर्स्ट क्या है, इट गिव अस एनर्जी। ये हमें क्या देता है बेटा, एनर्जी देता है। फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है टू प्ले एंड वर्क। बाद में जो एनर्जी मिलती है उसको हम यूटिलाइज कैसे करते हैं, कोई ना कोई काम करते हैं। तो काम करते हैं जब, तो वो एनर्जी हमारी सारी की सारी यूटिलाइज हो जाती है, और बाद में हमें फिर भूख लगती है और फिर से हम खाना खाते हैं। ओके बेटा, फर्स्ट आपने ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बस आपने इतना ही याद रखना है, फूड से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। फूड से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। ओके बेटा, सेकंड क्या है, फूड से हमारी बॉडी क्या होती है, बॉडी की ग्रोथ होती है, ओवर ग्रोथ। फूड से हमें एनर्जी मिलती है, फूड से हमें सेकंड क्या, फूड से हमारी बॉडी की क्या होती है, ग्रोथ होती है। ओके बेटा, थर्ड पॉइंट क्या, फूड से हमारी बॉडी क्या होती है, रहती है, हेल्थी रहती है। ओके बेटा, फूड से हमें क्या मिलती है, हमारी बॉडी क्या रहती है, हेल्थी। जब आप खाना खाते हो तो आप अपनी बॉडी क्या होती है, हेल्थी होती है। और जब आप अच्छा बढ़िया फूड खाते हो, फ्रूट वगैरह खाते हो, ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हो, तभी हमारी बॉडी क्या होगी, हेल्थी होगी। फास्ट फूड वगैरह खाने से बॉडी हमारी हेल्थी नहीं होगी। एंड फाइट अगेंस्ट डिजीज, तो वो जब आप खाना खाते हैं, तो अगर आप अच्छा खाना खाते हो, फ्रूट वगैरह खाते हो, तो आपकी बॉडी की जो क्षमता है बढ़ जाती है, आपको इतनी जल्दी कोई भी डिजीज, कोई बीमारी वगैरह नहीं लगती। ओके बेटा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट थ्री पॉइंट है ये। इसलिए पॉइंट किसके हैं कि जो फूड है वो हमारी हमारे लिए बेसिक नीड क्यों है, हमें फूड क्यों खाना चाहिए। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट, आपने इतना इन शॉर्ट मिनिमम आपको तो याद होना चाहिए ना। फर्स्ट क्या है कि फूड से हमें, फूड हमारे लिए बेसिक नीड क्यों है बेटा, फूड से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, और फूड से हमारी बॉडी क्या करती है, बॉडी की क्या होती है, ग्रोथ होती है, और फूड हमारी बॉडी को हेल्थी रखता है। एंड फाइट अगेंस्ट डिजीज, तो हमें कोई बीमारी ना हो सके, तो उसके लिए हमारी बॉडी में क्षमता बढ़ती है जब हम फूड खाते हैं। ओके बेटा, और अब अगर आपसे कोई पूछ ले फूड के सोर्सेस क्या है, फूड हमें कहाँ से मिलता है, तो फूड हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट एंड एनिमल से। जितना भी हम फूड खाते हैं वो सभी का सभी जहाँ प्लांट से मिलता है, और कुछ ना कुछ जो फ्रूट है वो हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। ओके बेटा, पहले हम पढ़ेंगे फूड फ्रॉम प्लांट। प्लांट से हमें कौन कौन सा फूड मिलता है, जैसे फ्रूट है, सभी के सभी फ्रूट हैं वो हमें बेटा कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। ये सभी आपने पढ़े होंगे, जो फ्रूट्स हैं एप्पल, बनाना, पियर्स, गावा, मैंगो, पाइन एप्पल एंड ऑरेंज, ये सभी के सभी क्या है, फ्रूट हैं। ये हमें कहाँ से मिलते हैं बेटा, प्लांट से मिलते हैं। दे आर गुड फॉर हेल्थ, ये हमारी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो हमें डेली कोई ना कोई फ्रूट खाना चाहिए। ओके बेटा, आगे है ग्रेन्स। ग्रेन्स किसको बोल देते हैं, वी ईट सीड्स, जो हम सीड्स खाते हैं उसको क्या बोल देते हैं ग्रेन्स। सीड्स हम बेटा किसके खाते हैं, वीट्स, वीट राइस एंड मेज, वीट राइस एंड मेज के हम क्या खाते हैं बेटा, सीड्स खाते हैं। और इस सीड्स को क्या बोल देते हैं हम बेटा, ग्रेन्स, इसको क्या बोल देते हैं हम, ग्रेन्स। ओके बेटा, अगर आपसे कोई पूछ ले ग्रेन्स किसको बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं, हमने इतना याद रखना सीधा सीधा, वीट राइस एंड मेज को हम क्या बोल देते हैं बेटा, ग्रेन्स बोल देते हैं। ओके,
नेक्स्ट है, वीट इज यूज्ड फॉर चपातीस ब्रेड एंड केक। वीट का हम यूज कहाँ करते हैं? चपातीस बनाने में, ब्रेड बनाने और में और केक बनाने में। ओके बेटा, अगर मैं आपसे पूछ लूँ चपातीस ब्रेड और केक किससे बनते हैं, तो किससे बनते हैं? वीट से। किसके किसके साथ किससे बनते हैं? वीट से। ओके बेटा, राइस से क्या बनता है? राइस इज यूज फॉर मेकिंग इडलीस एंड डोसा। डोसा और इडलीस वगैरह किससे बनती है? राइस से बनती। ओके बेटा जी, आपने याद रखना है चपातीस मीन्स जो घर में आप रोटी वगैरह बनाते हो, ब्रेड बनाते हो, केक बनाते हो, वो किससे बनती है बेटा? वीट से बनती है। और राइस से क्या बनता है? डोसा एंड इडलीस। ओके, नेक्स्ट है वेजिटेबल्स। हमें बेटा फ्रेश और ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए। ओके बेटा, फ्रेश एंड ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी है। ओके बेटा, और मेनली जहाँ से हम जितने भी वेजिटेबल्स खाते हैं उसके ना प्लांट के हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स खाते हैं। कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जिसकी हम रूट्स खाते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिसके हम लीव्स खाते हैं, और कुछ कुछ ऐसी होती हैं जिसके हम स्टेम वगैरह खाते हैं। तो ये हमने याद रखना, तीन कैटेगरी की जहाँ पर वेजिटेबल्स आएंगी। फर्स्ट है रूट्स की, फर्स्ट है ये रूट्स की। रूट्स किसकी खाते हैं? कौन से वेजिटेबल्स हैं जिसकी हम रूट्स वगैरह खाते हैं? कौन सी है? रेडिश, कैरेट एंड बीट आर दी रीड रूट्स ऑफ दी प्लांट डैट वी ईट। ओके बेटा, तो अगर आपसे कोई पूछ ले वो प्लांट बताइए जिसकी हम वो वेजिटेबल्स का प्लांट बताइए जिसकी हम क्या खाते हैं? रूट्स खाते हैं। तो वो क्या है? रेडिश, कैरेट एंड बीट। ओके बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूँ वो प्लांट का वो वेजिटेबल्स बताइए जिसकी हम क्या खाते हैं? रूट्स खाते हैं। तो कौन सा आएगा? रेडिश आएगा, कैरेट आएगा और बीट आएगा। तो ऐसे भी मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि जो कैरेट है वो कैरेट का हम कौन सा पार्ट खाते हैं? तो क्या कौन सा खाते हैं? रूट्स खाते हैं। क्या खाते हैं? उसकी रूट्स। ओके बेटा जी, आपको दे रखी है रेडिश, कैरेट एंड बीट। ओके, तो सम प्लांट ऐसे होते हैं जिसकी हम क्या खाते हैं? लीव्स खाते हैं। ओके बेटा, जिसके हम पत्ते वगैरह खाते हैं। वी ईट द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक स्पेनिश स्पेनिश कैबेज एंड मिंट। ओके बेटा, ये है बंद गोभी वगैरह जो पालक होती है, इसके हम क्या खाते हैं? लीव्स खाते हैं। ओके बेटा, ये आपने याद रखना, कैबेज एंड स्पिनच एंड मिंट, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ उसकी एग्जाम्पल है जिसके हम क्या खाते हैं? लीव्स खाते हैं। ओके बेटा, अब आगे स्टेम। स्टेम हम किसकी खाते हैं? पोटैटोस की खाते हैं। ओके बेटा, अनियन की खाते हैं, और जिंजर की हम क्या खाते हैं? स्टेम्स खाते हैं। जैसे मीन्स पोटैटोस, आलू वगैरह हो गए, अदरक हो गया, जो प्याज वगैरह हो गया, इसकी हम क्या खाते हैं? स्टेम्स खाते हैं। ये तीन कैटेगरी मेन है जो आपने याद रखनी है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, रूट्स हम किसकी खाते हैं? रेडिश, कैरेट एंड बीट की खाते हैं। जो गाजर, मूली हो गया, और जो पालक और बंद गोभी हो गया, इसकी हम क्या खाते हैं? लीव्स खाते हैं। सिंपल मैं आपको बता दूं तो स्टेम हम किसकी खाते हैं? जो आलू वगैरह होते हैं, प्याज होते हैं, और जो अदरक होता है, इसकी हम क्या खाते हैं? स्टेम्स खाते हैं। ओके बेटा जी, आपने याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पीछे क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट है स्पाइसेस। वी गेट, जैसे हम बेटा घर में जितनी भी सब्जी वगैरह बनाते हैं उसमें हम ग्रीन मिर्ची और जो ब्लैक पेपर मिर्ची वगैरह होती है वो हम डालते हैं टेस्ट वगैरह बनाने में। ओके बेटा, जब घर में हम हल्दी वगैरह, नमक डालते हैं, हरी मिर्ची डालते हैं, ओके बेटा, जो काली मिर्ची वगैरह डालते हैं, लौंग वगैरह डालते हैं, तो वो स्पाइसेस की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो वो हम किसके लिए डालते हैं? कि फूड का हम टेस्ट बना लें। ओके बेटा, फूड के टेस्ट के टेस्टी बनाने के लिए हम स्पाइसेस, मसाले वगैरह डालते हैं। ओके, आगे क्या? ऑयल्स। ऑयल्स आर दी सम ऑफ दी प्लांट्स लाइक, ऑयल्स के प्लांट कौन से होते हैं? ग्राउंडनट, सनफ्लावर, मस्टर्ड एंड कोकोनट। ओके बेटा, ये वो प्लांट हैं जिससे हमें क्या मिलता है? ऑयल, ऑयल के प्लांट है। ओके बेटा, इसके जो ये ग्राउंडनट है, ये फ्लावर्स, सनफ्लावर्स एंड मस्टर्ड एंड कोकोनट। ओके बेटा, इससे हमें क्या मिलता है? ऑयल्स मिलता है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ ऑयल्स हमें किससे मिलता है, कोई प्लांट के नाम बताइए, तो आप बता सकते हो ग्राउंडनट, सनफ्लावर, मस्टर्ड एंड कोकोनट। ओके बेटा, और ऑयल यूज्ड फॉर कुकिंग दी कॉल्ड एडिबल ऑयल्स।
जो ऑयल्स हम कुकिंग के लिए यूज करते हैं, जिसको ओके बेटा, तो उसको हम बोल सकते हैं एडिबल ऑयल्स। ओके बेटा, इसको बोलते हैं एडिबल ऑयल्स। ओके बेटा, ऑयल्स यूज्ड फॉर कुकिंग आर कॉल्ड एडिबल ऑयल्स। आगे, फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल से हमें क्या मिलता है बेटा? एनिमल से भी हमें फ्रूट मिलता है, जैसे हम मिल्क मिल्क वगैरह। फॉर एग्जांपल क्या है मिल्क? मिल्क हमें कहाँ से मिलता है? बफेलो से, काउ से एंड गॉड से। ओके बेटा, तो हमें हर दिन वी शुड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे। हमें हर दिन एक ग्लास मिल्क मिल्क पीना चाहिए। और जहाँ जहाँ से आपने ये याद रखना है, मिल्क इज अ कंप्लीट फूड एज इट ऑल न्यूट्रिएंट्स। जो अगर आपसे कोई पूछ ले कंप्लीट फूड कौन सा है, कौन सा आप कंप्लीट फूड कौन सा है, तो वो कौन सा है? मिल्क। मिल्क क्या है? मिल्क क्या बेटा? अपने आप में एक कंप्लीट फूड है। क्यों? क्योंकि इसमें सभी के सभी क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने हमारी बॉडी को चाहिए हेल्थी रहने के लिए। तो वो सभी के सभी न्यूट्रिएंट्स किस में होते हैं? मिल्क में होते हैं। ओके बेटा, मिल्क इज अ कंप्लीट फूड। ओके बेटा, कंप्लीट फूड। अगर मैं आपसे पूछ लूं कंप्लीट फूड किसको बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं? मिल्क को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सभी के सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आपने याद रखना। ओके बेटा, आगे, मिल्क आल्सो यूज्ड फॉर आइटम। मिल्क से हम ये आप सभी जानते हो, बटर वगैरह, चीज, कर्ड, आइसक्रीम वगैरह हम बनाते हैं। आगे है एग एंड मीट। जो एग और मीट है वो हमें कहाँ से मिलता है? गॉड से, फिश एंड अदर एनिमल से, जिसे जो क्या है, मीट के सोर्सेस हैं। ओके बेटा, ये हाँ, जहाँ से हमें क्या मिलता है? मीट एंड एग वगैरह मिलते हैं। ओके, और हेन से मिलता है, डक हो गया, ये हमें क्या मिलते हैं? एग देते हैं और मीट देते हैं। और एनिमल्स हैं जी, अपने एनिमल्स के याद रखने हैं, नाम याद रखने हैं। गॉड, फिश एंड अदर एनिमल्स है, जिससे हमें क्या मिलता है? जो जहाँ से हमें मीट मिलता है। और मैंने आपको पहले भी बताया, जो वाटर है वो भी हमारे लिए क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, तो हमें डेली वाटर भी कंज्यूम करना चाहिए। ओके बेटा, इसके साथ जो आपका फर्स्ट सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। और आगे आपको बैक एक्सरसाइज दे रखी है, या जितनी भी आपका ये आज का होमवर्क है, आपने इसको कंप्लीट करना। जितना भी आपको आता है आप इसको कंप्लीट करोगे, और कंप्लीट करने के बाद जितना भी आता है आपको आप करोगे, करने के बाद इसकी जो फोटोग्राफ्स है वो सारी की सारी इस व्हाट्सएप ग्रुप में उसकी फोटोग्राफ्स सेंड कर दोगे। ओके बेटा, बहुत ही इजी चैप्टर है, इतना बहुत ही इजी है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और सभी बच्चों ने, मेरी रिक्वेस्ट है सभी बच्चों ने, इसकी जो बैक एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करोगे। कंप्लीट करने के बाद उसकी फोटोग्राफ्स वो ग्रुप में सेंड करोगे। ओके बेटा, और जिन बच्चों ने अभी तक फर्स्ट लेक्चर नहीं किया, तो वो फर्स्ट लेक्चर की फर्स्ट चैप्टर नहीं किया, तो फर्स्ट चैप्टर की क्लासेस भी अवेलेबल हैं आप यूट्यूब चैनल पर, वो आप देख सकते हो। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।